ये होता है ड्रिंक एंड ड्राइव। तो गाइज ये एक्चुअली किस तरह का फेस्टिवल है वो मुझे भी नहीं पता। ये रोमर अमित भैया के घर पे है। तो फाइनली गाइज मैं आज जा रहा हूँ कोरापुट, और घर से कैसे छोड़ दिए यार, वही मैं सोच रहा हूँ कि घर से कैसे छोड़ दिए। चलो छोड़ो, अगर छोड़ दिए मतलब हाँ आप लोगों के लिए नॉर्मल है कि भाई इतना बड़ा हो गया अभी मतलब छोड़ेंगे ही ना, तो ठीक है। नहीं, मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि बाइक पे जा रहा हूँ और इतना दूर जा रहा हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा दूर, मतलब हमारे घर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर होगा। तो पहले गया हूँ, लेकिन पहले क्या हुआ कि विदाउट परमिशन के, मतलब माँ बाबा उनके विदाउट परमिशन, उनको बताया नहीं, बस दोस्तों के साथ गया हूँ कहीं। लेकिन अभी क्या है कि उन लोगों को पता है और वो लोग मतलब छोड़ दिए मुझे, चल जा जीले, मतलब जीले मतलब क्या, बस 2 दिन का ही मामला है, आ जाऊँगा, कल रिटर्न होना है मुझे। तो ठीक है, हम थोड़ा रुके थे यहाँ पे एक्चुअली सुसु करने के लिए, लेकिन सवेरा हो गया है और मैं जब घर से निकला था बहुत मतलब अंधेरा था, तो मेरा कैमरा उतना अच्छा है नहीं जो मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो हाँ, अब से मेरा जो सफ़र है वो धीरे धीरे मतलब जहाँ सही होगा वहाँ सब आपको दिखाऊँगा, ठीक है। और गाड़ी वगैरह तो अभी आती जाती रहेंगी। तो अब मैं शुरू करता हूँ अपना सफ़र, सफ़र शुरू कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, चलते हैं बाइक पे फिर से सफ़र का मज़ा लेते हुए। तो गाइस मैं इसलिए यहाँ पे रुका, नहीं नहीं अभी अभी सुसु करने नहीं, अभी बस इसलिए रुका हूँ क्योंकि अभी यहाँ से शुरू होने वाला है कोरापुट का जो मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है, तो यहीं से शुरू होने वाला है। और गाइस यहाँ से चारों तरफ धुआं धुआं, देखो आपको पता चल जाएगा कि आप कोरापुट में एंट्री कर चुके हो। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो आसमान एकदम ढका हुआ है। तो अभी पॉकेट में रखते हैं मोबाइल और चलते हैं आगे का सफ़र, अगर खूबसूरत कुछ दिखे तो मैं दिखाऊंगा, वरना नहीं, चलो छोड़ो। तो ठीक है अभी चलते हैं, और वेदर ठीक नहीं है तो मोबाइल बाहर रखना भी कुछ सेफ नहीं है। ओ भाई साहब देखो ये होता है ड्रिंक एंड ड्राइव। इसलिए उसके आगे डोंट लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, एकदम टर्निंग में देखो, वाव गजब। तो फाइनली गाइज मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं और यहां पे कुछ चल रहा है जो कि हम दोनों की समझ से परे है। तो बहुत इंतजार करने के बाद ये उत्सव समाप्त होता है, लेकिन वापस से हमें इंतजार करना पड़ता है सारे के सारे फॉर्म्स वगैरह लेके। तो इंतजार करते करते मैं अपने कॉलेज के कुछ पलों को याद कर लेता हूँ। तो ये था कॉलेज का लास्ट डे, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और हम एक दूसरे की फाड़ने लगे थे, मतलब ड्रेस वगैरह। <laughs>
हाथ 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 अलग हाँ यार जो भी कहो, कॉलेज लाइफ थी बहुत खूबसूरत। और कॉलेज का काम फाइनली ख़त्म हो गया है, 5 बज रहे हैं भाई, और रात होने की वजह से मैं आज घर वापस नहीं जा रहा, मतलब ठहर रहा हूँ एक दोस्त के घर पे, नाम भी बताता हूँ, उसका सुजीत नाम है, तो उसके वहाँ पे ठहर रहा हूँ मैं। तो गाइस अभी शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ से हमारा जो पर्व है कोरापुट का वो तकरीबन 6 किलोमीटर है और मुझे चल के ये सफ़र तय करना है। तो कुछ दिख नहीं रहा पता है, लेकिन दिखाऊंगा ठीक है, दिखाऊंगा। कभी उजाला है कभी अंधेरा है ना। तो वैसे मेरा एक फ्रेंड यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है तो सीनियर साथ में है, इसलिए अभी बात नहीं करूँगा। चल इधर। तो गाइस पर्व जितना दिन तक चलेगा ना, टाइट सिक्योरिटी चलेगी ऐसे ही, शायद 2 या 3 दिन तक ऐसा मतलब ये माहौल रहने वाला है भाई। और नहीं चला जाता मुझसे, थक गया हूँ, बहुत थक गया। बाइक लाना चाहिए था यार, लेकिन हिफाजत से रखना भी तो होता है, बाइक को कुछ हो गया तो फाड़ देंगे पापा, इसलिए बाइक को रहने दो। और यहाँ पे देख सकते हो 1 घंटा हो चुका है, मैं अभी तक पहुँचा नहीं हूँ, अभी भी दूर है। ए? जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। वैसे YouTube पे सब मेहमान ही होते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पर्व में। और गाइज यहां पे और कुछ मतलब देखो यार, ये ऐसी चीज है, ये बस आपको दिखाना है, बस आप मतलब आपको नहीं मुझे दिखाना है आप लोगों को।
तो देखो। और भाई क्या बोलूँ अब मैं कि ये वो है वो ये है, भाई आप खुद समझ जाओगे, समझदार हो आप तो आप खुद समझ जाओगे। तो मैं एंट्री कर चुका हूँ यहाँ से और धीरे धीरे मैं अंदर जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, और सामने वो रहा हमारा स्टेज, और बस यही तो होता है यार और क्या। और बस दो चार गाड़ियाँ आएंगी कुछ नई नई, और कुछ लोग होंगे, और कुछ मतलब बलून्स वगैरह शायद हवा में होंगी, और बस यही तो होता है हर मेले में। तो हाँ देखो देखो ठीक है, तो देखो और मैं बस म्यूजिक लगा रहा हूँ ठीक है, तो मैं म्यूजिक लगा देता हूँ ताकि आपको मतलब बोर ना लगे 50% शायद, तो एंजॉय करो। देखो हाँ भाई, इतनी भीड़ में भी मैं अकेला हूँ और समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म, भाई कुछ पता नहीं चल रहा, तो चलो कहीं भी कर लेते हैं यार। तो गाइज़ ये एक्चुअली किस तरह का फेस्टिवल है वो मुझे भी नहीं पता, मतलब मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे क्या होता है कि लोग मतलब अपने पारंपरिक सांस्कृतिक जो भी चीज़ें होती है वो दिखाते हैं या बेच भी रहे हैं, तो ये सब यहाँ पे आता है। और मतलब हमारे उड़ीसा का जो भी इतिहास है तो ये अपने हाथों के ज़रिए मतलब हैंडमेड चीज़ें जो होती है ना तो वो सब भी बनाते हैं और बेचते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों की कुछ होता होगा यहाँ पे, मतलब बेचते होंगे दिखाते होंगे। अब मेले में आके खाली पेट जाऊंगा तो पाप लगेगा, इसीलिए नहीं ऐसी बात नहीं है, बस ये जिस तरह बना रहे हैं ना तो पानी आ गया ऐसे ही मुंह में, तो एक ले लेते हैं। तो फालूदा बेचने वाला अपना फालूदा निकालने गया था वहां पे, तो जैसे ही कैमरा देखा भाग के आ गया। चलो ठीक है हाय। ओ भाई इसको मैं पहचानता हूँ, ये रोमर अमित भैया के घर पे है। अमित भैया ये मशीन आपके घर पे है ना घास काटने वाला, ये देखो। तो बस यार हो गया मेरा, और कुछ नहीं है यहाँ पे, और मैं दिखा भी नहीं सकता, और है भी तो भाई छोड़ो रहने दो, तो अभी चलते हैं। देखो भाई टाइम हो गया है 8:41 और अब हम जा रहे हैं घर, हम मतलब मैं अकेला जा रहा हूँ और पैदल ही जाने वाला हूँ, और पता नहीं कब तक पहुँचूँगा, शायद 1.5 या 2 घंटे लगेंगे मुझे, लेकिन पहुंच जरूर जाऊंगा, नहीं तो मैं ये वीडियो कैसे बना रहा हूँ बाद में, है ना।
तो गाइस ये मेरा दोस्त, हम दोनों एक ही साथ पढ़ते थे, लेकिन इसका देखो अभी सेटल हो गया, जॉब लग गया है बेचारे का। तो मिलते हैं भाई, ठीक है भाई, मिलते हैं। लड़का अच्छा है, देख रहे हो, मतलब भाईचारा देख रहा हूँ दोनों की, ऐसा फील हो रहा है जैसे बचपन से हम एक ही साथ बड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, बस हम फ्रेंडली हैं, मतलब इको फ्रेंडली बोलते हैं ना, तो हमारा नेचर ही ऐसा है। अभी बहुत दूर है काफ़ी, मतलब कुछ 2 किलोमीटर भी होगा, तो अभी 2 किलोमीटर और चलना है मुझे, उसके बाद पहुंचना है रूम में, मतलब दोस्त के रूम में, उसके रूम में ही ठहरा हूँ मैं, तो अभी चलते हैं। और यार हाथ बहुत बहन कर रहा है मेरा, पैर भी बहुत दुख रहा है, तो बस ख़त्म करते हैं। आप लोग और कुछ है नहीं, बस चलना ही तो है, रूम में पहुंचना है, बस और कुछ है नहीं दिखाने को, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, बाय। पहुंच गए। अब अगली सुबह घर के लिए रवाना होते हुए, मैं घर आ गया माँ। तो खाना परोस के खा के दुकान चलते हैं, और ये व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, बस बाय। जिन लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा उनके लिए